हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना एनसीईआरटी की, इसके हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर पूरा 7 कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल ट्राई दिस वगैरह सब चीज़ चैनल पे अपलोड है। बस ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, आज इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड वट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, एक तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है और एक बार 2 साल बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। मैंने आपको जब एग्जाम्पल्स कराए थे तब बोला था कि हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे और उसी फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मूलेज याद ना करने पड़े। वो था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेस एन। अब देखो यहाँ पर मेरे को 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है और 1 की निकालनी है, तो ये एक तरीके से प्रेजेंट पॉपुलेशन है जो मुझे नहीं दे रखी। 2003 की दे रखी है, आगे की दे रखी है, मुझे तो 2001 की निकालनी है ना। अभी मैं एट प्रेजेंट 2001 में हूँ, तो यहाँ पर आप लिखो ये जो है वो 2003 की पॉपुलेशन के लिए, ये जो है वो 2001 की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये मुझे दे रखी है 54,000, ये मुझे फाइंड करनी है कितने परसेंट से बढ़ी है, 5% से, और इन दोनों के बीच में 2 सालों का गैप है। क्लियर? तो ये आ जाएगा 105, बेस सेम कर दिया। अब ये लिखा है आपके पास 54,000, इसको आप दो बार लिख सकते हो ना, यहाँ पर 105/100 इंटू में 105/100 आपको ये निकालना है ना, तो ये इधर ले जाओ, तो 100 डिवाइड के हैं तो इधर आके दोनों मल्टीप्लाई के हो जाएंगे, और 105 दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड के हो गए, और यहाँ पर पॉपुलेशन आ जाएगी 2021 की। अगर मैं इसे 5 से काटूँ 20 पे जाएगा, और इसको भी 5 से काटूँ तो ये 21 पे जाएगा, अगेन ये 20 पे जाएगा, ये 21 पे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 20 और 21 एक टेबल में नहीं आते, लेकिन 54 और 21 एक टेबल में ज़रूर आते हैं। किसकी में आते हैं? ये 3 की टेबल में आते हैं। तो ये 3 की टेबल में 18,000 पे आता है, ये 3 की टेबल में 7 पे आता है, अगेन ये 3 की टेबल में 6,000 पे आएगा, और ये 3 की टेबल में 7 पे आएगा। तो 6,000 इंटू में 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, सबको सॉल्व करोगे तो पॉपुलेशन आ जाएगी 2021 की आपके पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 49 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स में कुछ देखो ये आएगा, ये अप्रॉक्स में आ रहा है। पॉपुलेशन तो अप्रॉक्स में कभी नहीं हो सकती ना, तो ये पॉपुलेशन आ जाएगी, इसको आप 80 ले लो 79 को, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, तो ये आपके पास आ गई पॉपुलेशन 2021 की। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में अगेन आप पॉपुलेशन बतानी है 2005 की, तो आगे की पॉपुलेशन बतानी है। प्रेजेंट पॉपुलेशन 2023 वाली ले सकते हैं अब हम। अब ये फाइंड करना है, ये वाली पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी 54,000, ये आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने एक बार ये प्रेजेंट में लिया, एक बार आगे के में लिया है, क्योंकि ईयर का फ़र्क था, ठीक है। यहाँ है 1 + 5/100, और अगेन देखो 2 सालों का ही गैप है, तो यहाँ 2 आ जाएगा 54,000, यहाँ आ जाएगा 105/100 की रेस 2, तो 54,000 इंटू में 105 इंटू में 105, 100 इंटू में 100, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कटा, इससे ये कट गया। अब ये 5 के टेबल में 21 पे आता है, ये 5 के टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में ये आता है 2 2 जा 4 2 7 जा, तो 27 इंटू 105 इंटू 21 बचा। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ न्यूमिनेटर में ही बचा, तो अगर मैं 27 को 105 से इंटू कर दूं और फिर 21 से इंटू कर दूं,
तो मेरी पॉपुलेशन निकल जाएगी, तो मेरी पॉपुलेशन 2025 में कितनी होगी, वो होगी 59535। क्लियर है? ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आर। एक तरीके से आर दे रखा है रेट। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ टू आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। कह रहे हैं कि बैक्टीरिया एक लेबोरेटरी में काउंट किए गए तो वो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर घंटे 2.5% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। दो घंटे बाद बताओ कितने हो जाएंगे वो बैक्टीरिया, अभी अगर वो इतने हैं तो। क्लियर है क्वेश्चन? सेम लगाएंगे देखो यही वाला ही फॉर्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं हम। मुझे आगे का बताना है ना, तो इसका मतलब ए बताना है, ठीक है? तो अब यहाँ लिख दो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो प्रेजेंट बैक्टीरिया मेरे पास है 5,06,000, कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 2.5% से बढ़ रहे हैं, और दो घंटे बाद बताना है तो 2 यहाँ जाएगा। 5,06,000 पॉइंट हटाया 0 आ गया, ठीक है? बेस सेम करोगे 1,000+25 आएगा, नीचे 1,000 रहेगा, ये 2 ऐसी है तो ये हो जाएगा 1,025/1,000 × 1,025/1,000। मैंने खोल दिया है ब्रैकेट को, इन तीन जीरो से ये तीनों जीरो काट दी, 5,06, 1,025, 1,025 और 1,000 बचा, छोटा कर लो। ये आपके पास 5 की टेबल में आता है 200 पे, ये आपके पास 5 की टेबल में आता है 5 × 10 = 205 पे। याद रखना, कई बच्चे इसको गलती से 25 लिख देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो बिल्कुल ध्यान से डिवाइड करना। अभी भी ये दोनों कट हो सकते हैं, आप इन्हें कट कर सकते हो। ये अगेन मैंने 205 पे काट दिया और ये आ गया 40। तो 5,06 × 205 × 205 / 40 हो गया। आप चाहो तो अभी और छोटा कर सकते हो, ये 2 से काट दो, इसको भी 2 से काट सकते हो क्योंकि इसके लास्ट में आपके पास इवन नंबर है तो ये इजीली कट हो जाएगा, तो 253 आ जाएगा। अब ये 5 की टेबल में 4 पे आता है, 5 4 जाना, और ये कितने पे आता है, 41 पे। अब नहीं कुछ कट हो रहा, बहुत कुछ काट दिया है ना, बस अब तो मल्टीप्लाई डिवाइड है। तो 253 में अगर मैं 41 से इंटू कर दूं और उसके बाद उसमें 205 से भी इंटू कर दूं और जो भी मेरा आंसर आए उसको मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ बैक्टीरिया एट द एंड निकल जाएंगे, कुछ अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है। क्लियर? बस फॉर्मूला एक ही लगना है सब में, क्वेश्चन 3 में भी यही लगना है। देखो, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द एंड ऑफ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आपने एक स्कूटर ख़रीदा 42,000 का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 42,000, हर साल उसकी वैल्यू 8% के हिसाब से कम हो रही है, बढ़नी रही कम हो रही है, तो एक साल के बाद कितनी वैल्यू होगी वो बतानी है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एक एग्जाम्पल भी कराया था कि जब वैल्यू कम होती है तो माइनस लगाते हैं और बढ़ती है कुछ चीज़ तो प्लस लगाएंगे, बस यही फ़र्क है। प्रेजेंट मुझे 42,000 दे रखी है, 8% से हर साल कम हो रही है, एक साल के बाद निकालनी है, तो बेस सेम करूँगी तो 100 - 8/100 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 92/100 आ गया, 20 से 20 काट दी, तो 420 को क्या करें हम, 92 से इंटू कर लें, आंसर आ जाएगा हमारा तो 38640 आंसर आ गया। इसका मतलब वैल्यू आफ्टर 1 ईयर
देखा कम हो गई ना, 42,000 थी और 38,640 हो गई। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो इनका डिफरेंस है वो डेप्रिशिएट है, डेप्रिशिएट हो गया उतना। क्लियर, ये थी छोटी सी एक्सरसाइज, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ दूसरा चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, ताकि उसकी वीडियोज़ मिलनी आपको शुरू हो जाए। आज की इस कुल तीन क्वेश्चन में कहीं दिक्कत कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी पता है आपको, लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।